और आज मैं कुछ घोषणाएं भी करता हूं। प्रदेश के 14 जिलों में पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक संचालित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जो राज्य के 68 जिले पंचकुला, कैथल, करनाल, हिसार, जज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर में भी चरणबद्ध तरीके से पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक खोले जाएंगे। ये पोलो क्लिनिक राज्य के पशुपालकों को पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, गायनोकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी और अन्य डायग्नोस्टिक सुविधाएं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि में विशेष पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं दूसरी घोषणा प्रदेश के दुग्ध विक्रेताओं के लिए करता हूं, जो दूध विक्रेता घर घर जाकर दूध की आपूर्ति करते हैं और जिन परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक वार्षिक है, उन्हें राज्य सरकार की दयालु योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, क्योंकि हमारे जो ये दूध ये हैं, ये चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है और चाहे बरसात है, ये भी जोखिम भरे समय के अंदर लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का काम निरंतर दिन रात करते हैं और समय के ऊपर पहुंचाते हैं। हमने ये निर्णय किया कि उनको इस बीमा कवर के अंदर कवर किया जाएगा ताकि उनको सुरक्षित, परिवार को सुरक्षित किया जा सके। और कल हमने दुग्ध उत्पादकों के लिए कुछ कल घोषणाएं भी की थी, उसका भी मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, क्योंकि कल दूध उत्पादक समितियां वो हमने बुलाई थी। ऐसी 35,000 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दूध उत्पादकों की अप्रैल, मई, जून के 15,59,00,000 रुपए वो सब्सिडी के उनके रुके हुए थे, कल हमने वहाँ बटन दबा करके DBT के माध्यम से उनके खाते में ये पैसा पहुँचाया है। इस वित्त वर्ष के दौरान अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की प्रोत्साहन राशि 5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, कल हमने ये निर्णय किया था। इसी योजना के अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष में 39,37,00,000 की सब्सिडी दी गई थी, जो कि इस वित्त वर्ष योजना का बजट हमने 100 करोड़ रुपए कर दिया है। हमने पांचवा जो कार्य दुग्ध उत्पादकों के लिए किया, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत वीटा के जून 2024 तक के लगभग 41 करोड़ रुपए की राशि लंबित बिलों की अदायगी विभाग द्वारा वो थी, हमने कल इसका भी निर्णय किया है कि वो 2-3-4 दिनों के अंदर ये सारा का सारा पैसा उन तक पहुंच जाएगा, वो भी जारी करने का हमने निर्णय किया है। और ताकि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको लेकर के हमारी सरकार ये प्रमुखता से दुग्ध उत्पादकों के लिए, चाहे हमारे जो किसान है, जो पशुपालक हैं, ऐसे सब लोगों के लिए हमने ये काम किया है। आज के जो हमारे, क्योंकि एक प्रमुखता से जो हमने, हमारी कैबिनेट ने फैसला किया था, हमने फैसला किया था कि किसानों को उनके खाते में बारिश कम होने की वजह से 2-2,000 रुपये हम भेज रहे हैं। आज हमने उसकी फर्स्ट किस्त जारी की है और उस फर्स्ट किस्त के अंदर हमने 525 करोड़ रुपया भेजा है।